नमस्कार, अपनी साथे हूं विधाता। महत्वना समाचारथी शुरुआत। मुंबईना केटलाक विस्तारों में भारे वरसाद वरस्यो छे, अनेक जग्याए पाणी भराई गया छे। दादर हिंदमातामां पाणी भरावानी जे घटना छे ते बनी छे। वधु वरसादने कारणे पाणी भराता लोकोने भारे मुश्केलीओ सर्जाई रही छे। तो वधु एकवार मुंबईना हाल बेहाल थई रह्या छे। भारे वरसादने कारणे पहलेथी ज कोरोनાએ કેર વર્તાવ્યો છે, તેની વચ્ચે ભારે વરસાદથી મુંબઈ ગરાઓ પરેશાન થયા છે। અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરવાની જે ઘટનાઓ છે અને દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। માહિતી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે સંવાદદાતા અમિત રાય। અમિત, અભી કી ક્યા પરિસ્થિતિ, ક્યા હાલાત, ભારી બારિશ હો રહી લગાતાર, અભી કે ક્યા હાલાત? ठीक है, देर रात से ही लगातार बारिश जो है हो रही है और अभी दादर इलाके में और हिंद माता इलाके में जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हो रही है, और जिससे हिंद माता इलाके में और शिवड़ी इलाके में, दादर इलाके में बसों को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। क्योंकि सुबह का समय है, लोग घरों से निकल रहे हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, ऐसे समय में बरसात होना लोगों के लिए काफी मुसीबत जो है वो बन जाता है। एक पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा है मुंबई महाराष्ट्र, ऊपर से ये बारिश की मार भी लगातार झेलनी पड़ती है। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी हमेशा ये दावे करती है कि लोगों को इस बार जो है परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इस बार भी जो है हर बार की बारिश में जो है लोग परेशान होते नजर आए। घुटने घुटने तक पानी जो है भरा हुआ दिखाई दिया। लोला इलाके में पूरी तरीके सड़कें जो है जलमग्न दिखाई दी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, यातायात प्रभावित हुआ और आज भी ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बारिश देर रात से हो रही है लेकिन रह के रुक जा रही है, तो ऐसे में जल जमाव की स्थिति भी लगातार बन रही है। और अगर आज की बात की जाए तो आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग ने मध्यम बारिश के संकेत दिए हैं और इस समय मुंबई में रिमझिम बारिश चल रही है। शाम को 5 बजे जो है 3.99 मीटर की ऊंची लहरें यानी हाई टाइड जो है शाम के 5 बजे का है। तो अगर ऐसे ही बरसात शुरू रही तो आने वाले समय में मुंबई जो है वो जलमग्न हो जाएगा, कई इलाके जलमग्न हो जाएंगे। फिलहाल की स्थिति यह है कि हिंद माता और दादर में जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। अमित, जल जमाव की स्थिति है, उससे लोग परेशान है, लेकिन ये कम हो उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ कामगिरी वहां पर चल रही है, क्या काम हो रहा है? के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर पानी निकासी की जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। जितने भी 24 वार्ड हैं पूरे मुंबई में बीएमसी के, उनको अलर्ट पे रखा गया है कि आप अपने अपने इलाके की जो है देखभाल करिए, नजर बनाए रखिए। जहां भी जो है पानी भरता है, जल जमाव की स्थिति पैदा होती है, वहां तुरंत जो है मदद पहुंचाई जाए। तो बीएमसी प्रशासन जो है सतर्क है, लेकिन सवाल यही होता है कि हर बार उनकी सतर्कता जो है वो फेल साबित होती है। जितने भी निचले इलाके हैं अगर घंटे भर लगातार बारिश हो गई तो घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी जी, धन्यवाद अमित पूरी जानकारी के लिए। तो दादर हिंदमाता विस्तार में पानी भराई गया छे। हमारे वहां संवाददाता ने जणाव्यु कि लोको खूब ज परेशान छे, परंतु दर वक्त की आ स्थिति छे। वारंवार आ विस्तारों में पानी भराय छे, परंतु पानी ना निकाल माटे नी योग्य व्यवस्था न होवाथी आ प्रकार की परिस्थिति उभी थाय छे अने लोको परेशान थया छे।